हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल इंडेक्स में कहाँ ट्रेड हो, कल के लिए लेवल्स क्या है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं हम लोग। आज हमने देखा कि एक इनडिसीजन कैंडल बना है, कल अच्छी रैली देखने को मिली हमको, थोड़ा फ्लैट ओपन होने के बाद में एक बाइंग मोमेंटम बना और डे हाई पे कल क्लोज हुआ था। वही अकॉर्डिंग आज हमको एक फ्लैट ओपनिंग दिखी, थोड़ा माइनर हाई पे ओपन हुआ और वहाँ से हमने देखा कि एक नैरो रेंज में आज क्लोज हुआ है। ऊपर में निकला था बट सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आया, नीचे डाउन गया, बायर्स ने संभाल लिया। तो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन कल मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमको, नैरो रेंज में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे हम लोग। तो ये मॉर्निंग कैंडल की, मॉर्निंग कैंडल के रेंज में ही मार्केट आज दिन भर घूमा। यही रेंज हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रेंज ड्रॉ कर लेते हम लोग। डाउन साइड देखे हम लोग तो यहाँ पे 38160, 38150 ये हमारे लिए जोन होंगे नीचे में, कि ये सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हो रहा है 38150, तो हमारे डाउन साइड टारगेट होंगे 38050 एंड उसके नीचे 37900 के, हमारे डाउन साइड के लिए निकल सकता है नीचे में। ऊपर में हम लोग देखें तो स्टॉक ऑलरेडी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड ये ऊपर में कंटिन्यू हो सकता है अगर ये हाइज ब्रेक करता है। तो आज के हाई इम्पोर्ट होंगे कल के लिए, जैसे ही 38400 के ऊपर सस्टेन होता है हमारे टारगेट होंगे ऊपर में 38550 और 700 के ऊपर में टारगेट होंगे। सो ये रेंज ब्रेकआउट का हम लोग वेट करेंगे, जिस साइड रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है वो अकॉर्डिंग हम लोग वो डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लेंगे। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में हम लोग देखे तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा ये वीक था, गैप को ओपनिंग हुआ और वहाँ से जहाँ पे ओपनिंग हुआ वहीं से हमको सेलिंग देखने को मिला। नीचे में आया बट नीचे में देखा हमने बायर वापस एक्टिव हुए और फ्लैट एक ओपनिंग हमको देखने, एक क्लोजिंग हमको देखने को मिली। कल का जहाँ क्लोजिंग था उसके करीबी हमको आज का ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए हम लोग देखें तो आज ओपनिंग के बाद में एक सेलिंग प्रेशर आया है, उसके बाद में क्लोजिंग साइडवेज होके मिला है, लास्ट में थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला बट वहाँ पे वापस सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ। तो ये प्री एक्सपायरी साइडवेज रेंज है, मार्केट ने एक जोन बनाया है वही जोन हम लोग ट्रैक करेंगे। नीचे में हम लोग देखें तो 17450 का एक जोन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे 450 के नीचे निकल रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो डाउन साइड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 17370 ये एक जोन है, 17370-350 का वो वहाँ तक के आ सकता है, उसके बाद में 280 का हमारा डाउन साइड टारगेट होगा। प्रीवियसली हम लोग देखे तो निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड पॉसिबिलिटी की ऊपर भी ब्रेक कर सकता है। तो ऊपर के लिए हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस सप्लाई जोन जो था वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। सो यहाँ पे हम लोग देखें तो 17560-65 के जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट होंगे, ये वापस से सप्लाई जोन का काम करेंगे। तो इसके ऊपर जैसे ही निकल रहा है 17560-17570 के ऊपर, तो हमारे टारगेट होंगे यहाँ पे 17650 और 750 के ऊपर में टारगेट होंगे। गैप अप ओपन हो रहा है तो हम लोग वेट करेंगे सस्टेन का, ये गैप डाउन ये रेंज के नीचे जब तक निकलता नहीं तो हम लोग सेल नहीं करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग है तो हम लोग वेट करेंगे, कल एक्सपायरी है, यही रेंज में घूम सकता है फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में देखेंगे हम लोग डायरेक्शन ले सकता है मार्केट। तो अप साइड ब्रेक कर रहा है तो हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे, डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे। बट फिलहाल हम लोग देखें तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, क्लियर कट अप ट्रेंड में, और लास्ट फ्यू डेज देखे हम लोग तो प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखी वापस, एक यहाँ पे देखी हम लोगों को 4 तारीख को, उसके बाद 5 तारीख को भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, बट डे एंड में हम लोग ने देखा कि ऊपर में क्लोजिंग आया है, बट कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की डाउन साइड भी ब्रेक कर सकता है, बट हम लोग रेंज ब्रेकआउट का वेट करेंगे। नीचे अगर ये रेंज के नीचे क्लोज दे रहा है, सस्टेन हो रहा है, तो हम लोग शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली हम लोग देखे तो कहीं लोअर लो नहीं बनाए, प्रीवियस स्विंग लोज ये लो ब्रेकिंग हुआ, यहाँ पे हम लोग देखे तो ये स्विंग लोज नीचे में स्पाइक तो आया बट वापस से ये ऊपर में क्लोज हुआ है, तो सस्टेन नहीं हुआ प्रीवियस किसी भी स्विंग लो के नीचे। तो तब तक लो के नीचे सस्टेन नहीं होता या क्लोज नहीं होता शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तब तक के लिए निगेटिव नहीं मार्केट, स्टिल अभी पॉजिटिव है, इतना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है हमको बीच बीच में, तो भी ये पॉजिटिव ही है। जब तक के प्रीवियस स्विंग लोज के नीचे सस्टेन नहीं होता तब तक ये निगेटिव
नहीं है मार्केट। चलिए स्टॉक देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को देखे हम लोग तो एक अपसाइड निकला है शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में। प्रीवियसली हम लोग देखे तो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में स्टॉक ने भी हायर हाई बनाना शुरू किया है और एक कंसोलिडेशन के बाहर निकला है आज। तो यहाँ से ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखे हम लोग तो एक साइडवेज गया क्लियर अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद में एक साइडवेज गया, साइडवेज के बाद में अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है। तो इसको हम लोग बाय कर सकते हैं कल बाय साइड के लिए। 445 के ऊपर बाय करेंगे हम लोग, हमारा टारगेट होगा 455 और 65 के हमारे ऊपर में टारगेट होंगे। नेक्स्ट स्टॉक है ये देखिए हम लोग तो आईजीएल। आईजीएल में हम लोग देखेंगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न टाइप पैटर्न बना है यहाँ पे, जो कि एक नैरो रेंज को भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लोजिंग ऊपर में आया है बट कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो ये यहाँ पे जैसे अभी 7980 पे क्लोजिंग आया है तो कल के लिए हम लोग देखेंगे 382 के ऊपर जैसे निकल रहे हैं हम लोग बाय के लिए प्लान करेंगे। तो ऊपर में हमारे टारगेट होंगे 395 और 407 के हमारे ऊपर में टारगेट होंगे। ये तीन दिन रेंज ओपन होता है, ओपनिंग के बाद में रेंज के अंदर आ जाता है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे इसको, ऊपर में हम लोग सस्टेन होने देंगे फिर हम लोग बाय करेंगे। विथिन द रेंज होता है तो रेंज कुछ टाइम और यहाँ पे होल्ड कर सकता है, बाद में ब्रेकआउट देगा जब हम लोग बाय करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी हम लोग देखे तो क्लियर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर लो बना रहा है, प्रीवियस लोज ब्रेक हो रहे हैं बट प्रीवियस हाईज हमको ब्रेक होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अब ये रिट्रेस हो चुका है, एक्सपांड हो चुका है, एक क्लियर शार्प हमको फॉल देखने को मिला, उसके बाद में ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अपवर्ड ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे एक स्विंग लो हाई बना, स्विंग हाई के बाद में हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको, एक हाई बना, एक स्विंग लो बना, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, क्लोज हुआ अच्छे से। बट अभी हम लोग देख रहे थे फॉलो अप बाइंग मिसिंग है यहाँ पे और एक साइडवेज रेंज में यहाँ पे चला गया। तो अब ये रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, ये रेंज ब्रेक कर रहा है अभी आज के क्लोज के हिसाब से तो लग रहा है ये डाउन साइड ब्रेक करेगा, बट हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे। रेंज हमको एक मिल चुकी है अच्छी, तो यहाँ पे एक रेंज है, जैसे अभी ये 130-150 के नीचे निकल रहा है तो हमारे लिए शॉर्ट बनेगा यहाँ पे। तो हम लोग हमारे लिए डाउन साइड टारगेट होंगे 128 और 122 के हमारे डाउन साइड टारगेट होंगे। विथ इन द रेंज ओपन होता है, 32-33 के ऊपर ही ओपन हो रहा है और यहाँ पे सस्टेन भी हो रहा है तो ये नो ट्रेड जोन में होगा। जब तक ये आइदर अप और डाउन साइड ब्रेक नहीं करता तब तक ये हमारे लिए ट्रेड नहीं होगा। ऊपर में देखिए हम लोग तो ऊपर में अगर ये वापस ऊपर में 139 के ऊपर निकल रहा है तो हमारे लिए बाय होगा 145-150 के लिए, अपसाइड निकल सकता है। तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है कल डाउन साइड, अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है फॉल के बाद में और लो पे क्लोज हुआ है तो ये डाउन साइड के लिए निकल सकता है। तो लेवल अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।